महाराष्ट्र की सियासत हर आने वाले दिन में गुजरे हुए दिन के मुकाबले में ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और अजीत पवार के एनसीपी को अलविदा कर भाजपा के साथ चले जाने के फैसले ने इन सियासी गतिविधियों को और तेज कर दिया है। इसी सब के बीच एक ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है जिसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरह पलट जाएगी। जी हाँ, जिन्होंने एक साल पहले गद्दारी की, जिनको बहुत आस थी, आशा थी कि वो मंत्री बनेंगे, अभी क्या बनने वाले पता नहीं, क्योंकि मंत्री कौन से बनेंगे, किस डिपार्टमेंट के बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, विस्तार हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन जब भी बनेंगे, अगर बनेंगे तो, क्योंकि मेरे कान पे ऐसे सुनने आ रहा है कि सीएम को भी ऐसे कहा कि इस्तीफा दीजिए। अजीत पवार के अपने विधायकों के साथ भाजपा में शामिल होने के बाद से ही शिंदे गुट के उन विधायकों में नाराजगी देखी जा रही है जो उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ भाजपा में शामिल हुए थे। चार दिन से तो पोर्टफोलियो नहीं जाहिर हो रहे, तो ये तो एक बात रही, लेकिन मैंने सिर्फ कहा जो ओरिजिनल गद्दार है, यही बात है कि ये सच में बदल, ये बनेंगे कभी कुछ, जिन्होंने गद्दारी की है, जो लोगों के मन से उतरे, दिल से उतरे, वो ना अभी मिंदे सरकार के डिपार्टमेंट को चला सकेंगे, ना कुछ बन पाएंगे। ओरिजिनल गद्दार जो एक साल पहले उन्होंने गद्दारी की, उनके बारे में कह रहा हूँ कि उनको बहुत आस थी कि कभी ना कभी मंत्री बनेंगे, अभी उनको पता चलेगा कि क्या चल रहा है, अभी विस्तार हो या ना हो, लेकिन उनकी कीमत क्या है ये पता थी, क्योंकि एक साल रुके रहे तो भी कुछ हाथ में मिला। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सच क्या है और होना क्या है, लेकिन कहीं भाजपा की राजनीति खुद उसी पर पलट कर भारी ना पड़ जाए, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं आज महाराष्ट्र राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना के एक दूसरे के विधायकों के खिलाफ दायर की हुई याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। टीम मुंबई प्रेस, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब मुंबई प्रेस एंड टैप द बेल आइकन, और हां, एप्पल और एंड्रॉइड स्टोर से मुंबई प्रेस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।